भीमा कोरेगांव से दादर चैत्य भूमि तक संविधान सम्मान यात्रा लॉन्ग मार्च का पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी द्वारा आयोजित किया गया। गुरुवार को यह लॉन्ग मार्च यात्रा पुणे से निकलकर लोनावाला तक पहुंची, जहां पर सभा का आयोजन किया गया जिसमें पार्टी प्रमुख जोगेंद्र कवाड़े जी के नेतृत्व में रखा गया था, जिसमें महाराष्ट्र के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। संविधान सम्मान यात्रा का नेतृत्व युवा नेता जयदीप कवाड़े द्वारा किया जा रहा है। इस यात्रा में लगभग सैकड़ों लोग चौकीदार चोर है, चौकीदार हटाओ, देश बचाओ के नारे लगाते हुए पैदल चल रहे हैं। इस यात्रा की शुरुआत ऐतिहासिक भीमा कोरेगांव पुणे से हुई है और इस भीम सैनिकों के संविधान सम्मान लॉन्ग मार्च का समारोह चैत्यभूमि बम्बई में होने वाला है। हजारों भीम सैनिक इस वक्त हमारे साथ में हैं। जैसे जैसे हम आगे चैत्यभूमि की ओर बढ़ते जाएंगे, हमारा ये कारवा भीम सैनिकों का बढ़ता जाएगा। इस आंदोलन को अभी ये आंदोलन फिलहाल महाराष्ट्र तक सीमित है। अगर ये सरकार नींद से जागी नहीं हुई तो पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की ओर से देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी हम इस सरकार को देने वाले हैं, जिसमें रेल रोको, रास्ता रोको, हमारे भीम सैनिक आत्मदहन करेंगे। और हमारी ये भी मांग है कि अगर ये सरकार, हमारा ओबीसी समाज होगा, हमारा बहुजन समाज होगा, हमारा दलित वर्ग होगा, हमारा मुस्लिम समाज होगा, हमारा मराठा समाज होगा, अगर ये सरकार, बीजेपी की ये आरएसएस प्रणीत सरकार, अगर ये सरकार हमारे लोगों को न्याय नहीं दे सकती होगी, सुरक्षा नहीं दे सकती होगी, हमारे माँ बहनों को सुरक्षा नहीं दे सकती होगी, तो हम भी इस देश के सम्माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इनकी तरफ एक प्रार्थना करने वाले हैं कि दलितों को उनके संरक्षण के लिए हथियार दिया जाए। ये हमारी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की मांग रहने वाली है। और एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 1 जनवरी को जो हमला भीमा कोरेगांव में हुआ था, मैं हमला बोल रहा हूँ बरा, जो हमला संभाजी भिड़े ने किया था, इस संभाजी भिड़े का आज ये साल ख़त्म होते आया है। 1 जनवरी अभी 1 महीने पे रहा है। मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या हुआ संभाजी भिड़े का, जबकि रिपोर्ट ये कहती है, मुख्यमंत्री ने जो समिति बनाई है, रिपोर्ट ये कहती है कि संभाजी भिड़े दोषी है, फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? टोटली अम्बेडकरी जनता, बौद्ध समाज, बहुजन समाज, हमारा ओबीसी समाज, ये सब इस भावना से चिढ़े हुए हैं। और हमारी मांग है, अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री संभाजी भिड़े को प्रोटेक्ट करते होंगे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी सह आरोपी करना चाहिए, ये हमारी मांग है। धन्यवाद। जय भीम। कवाड़े आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, ऐसा है कि मीरा भाईंदर के जो विधायक है, आमदार है, नरेंद्र मेहता जी, सही मायने में आज मीरा भाईंदर की पहचान क्राइम कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र के नाम से हम जाने जा रहा है। और नरू मेहता जी का ऐसा है कि एक दलित जो एक मासूम है, एक सिक्योरिटी गार्ड के रोजी रोटी के लिए जो काम करता है, उसको मारकर नरू मेहता जी ने ये दिखा दिया है। मराठी में एक कहावत है, पोटा तेक आणि होटा तेक, यानी नरू मेहता ही नहीं तो उनकी संपूर्ण बीजेपी रहे, उनके आरएसएस रहे, ये एक नंबर की जातीयवादी पार्टी है। और मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो नरेंद्र मेहता गरीबों को, दलितों को, दबे कुचलों को इस तरीके से मारने की गुंडागर्दी की काम करता है, क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनको निलंबित करके उनके ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं? ये हमारे पार्टी की मुख्यमंत्री से मांग है। ऐसा है, गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री जी के तरफ है और जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आरएसएस का नुमाइंदा है, जो देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के नुमाइंदे है, जिस शस्त्र पूजा में हम एक राज्य का मुख्यमंत्री दशहरे के दिन नागपुर में आरएसएस के शस्त्र पूजा में रहता है, नितिन गडकरी शस्त्र के पूजा में रहता है, वो हिंसा की बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और उनका ही पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके न्याय के लिए जल्द से जल्द हमारे मीरा भाईंदर के सम्माननीय नेता है अजमल हसन पटेल साहब, इनके नेतृत्व में जल्दी ही हम एक धिक्कार मोर्चा निकालने वाले हैं और नरू मेहता की आमदारगी रद्द हो, इस मांग को लेकर हम मुख्यमंत्री की तरफ जाने वाले हैं। 26 नवंबर 1949 को इस देश का संविधान बाबा साहब ने इस देश के सुपुर्द किया और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान अमल में लाया गया। संविधान की खासियत यह है कि दुनिया के
कई प्रजातांत्रिक देशों में जितने भी संविधान हैं, लेकिन अपने आप में भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि उसका जो प्रीएम्बल जो है, उपोद्घात जिसे कहते हैं, सरनामा जिसे कहते हैं, वही दुनिया के मानव जाति को भाईचारा, एकता, समानता, आज़ादी और मानवीय मूल्यों का जानकारी देने वाली, ये पहली ऐसी राज्य घटना संविधान दुनिया के किसी भी देश के संविधानों में नहीं, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के संविधान लिखा। अफसोस इस बात का है, हमारे देश के जो प्रजातंत्र की निर्मित हुई, संविधान के द्वारा निर्मित हुई, गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, देश के प्रजातंत्र का अगर निर्माता कोई है, पिता अगर कोई है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो संविधान के द्वारा इस देश में लोकशाही, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, संसदीय लोकशाही जिसे कहते हैं, उसको नींव बाबा साहब ने डाली। अब समानता, भाईचारा, सामाजिक न्याय और मानवीय मूल्यों को प्रदान करने, ये हमारे देश की आधारशिला है, हमारे देश के प्रजातंत्र की आधारशिला है, ये चार स्तंभ के आधार। और इस देश के कुछ लोग जो शुरू से ही बाबा साहब ने बनाए हुए संविधान पर विश्वास नहीं करते, ऐसे कुछ मनुवादी लोग, कुछ ब्राह्मणवादी लोग इस देश के संविधान बदलने की बात, जब से संविधान लागू हुआ तब से आरएसएस के प्रमुख, पहले प्रमुख गोलवलकर जी के वक्त से ही, उन्होंने किताब लिखी है बंच ऑफ थॉट्स, गोलवलकर जी के, उनका सरसंग चालक थे वो, दूसरे गुरुजी थे वो आरएसएस के, उन्होंने भी संविधान के बारे में बहुत ही नीच तरीके का बातें कही, उनके बंच ऑफ थॉट्स में विचारधन जिसे कहते हैं उसमें। और आज से ही नहीं, अटल बिहारी जी की सरकार थी, आज मोदी जी की सरकार है, उनकी सरकार के कुछ जिम्मेदार लोग, कुछ सांसद, कुछ नेता लोग, और सबसे दुख की बात यह है कि मोदी जी के मंत्रिपरिषद के एक राज्य मंत्री अनंत कुमार हेगड़े, कर्नाटक के एक सभा में खुलेआम उन्होंने ये ऐलान किया, हम सत्ता में आए वही राज्य घटना बदलने के लिए आए, संविधान बदलने के सत्ता में आए, इस प्रकार का बयान उन्होंने दिया। अब मुझे सवाल इस बात का आता है कि जो संविधान पर हाथ रखकर आप मंत्री बने, सांसद बने, उसी संविधान को हटाने की बात आप करते हैं, जिस माता ने आपको जन्म दिया उसी माता का गला घोटने की कोशिश आप करते हैं। इतने नालायक, नीच और निकम्मे लोग हमारे देश में दूसरे कोई नहीं है। अफसोस, संविधान बदलने की बात करके इनडायरेक्टली बाबा साहब का जो वो है उसमें अपमान किया बाबा साहब का, तो इसके लिए भीम सैनिक किस तरह से, देखिए संविधान को हटाने की बात करके बाबा साहब का अपमान नहीं हुआ, इस देश के समता, स्वातंत्र्य, सामाजिक मूल्य का अपमान हुआ है, इस देश के गौरव को कलंकित करने की कोशिश संविधान, बाबा साहब का कोई, तो इस देश के सम्मान और स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की कोशिश संविधान बदलने की बात लोग कर रहे हैं। मेरा तो मानना यह है कि संविधान का विरोध करने वाले लोग ये देशभक्त हो ही नहीं सकते, वो प्रजातंत्र के दुश्मन हैं, वो इंसानियत के दुश्मन हैं, वो देश की एकता के दुश्मन हैं। देश की एकता और अखंडता बनी हुई है उसका कारण ही बाबा साहब का संविधान है। अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया होता तो ये देश कई टुकड़ों में बटा हुआ होता। उनको जोड़ने का काम आपके मनुस्मृति ने, तोड़ने का काम किया बाबा साहब के संविधान ने, इस देश के तमाम जाति धर्म के लोगों को जोड़ने का काम किया। जैसे कि बगीचा का माली अलग अलग प्रकार के फूल इकट्ठा करता है और उसका एक इकट्ठा करता है तो गुलदस्ता बन जाता है, ये संविधान इस देश के तमाम जाति धर्मों के एकता का गुलदस्ता संविधान के रूप में बाबा साहब ने दिया। इतना बड़ा काम और कौन विरोध करता है मुझे बताइए, संविधान का विरोध कौन करता है? चंद मुट्ठी भर भाजपा के इस मंत्री को किस तरह से भीम सैनिक जवाब देगी? देखिए हमने उनको आह्वान किया है अनंत कुमार है, अब ये तो जवाब तो कैसे देने, हम सोचेंगे उसका भी
कोई बड़ी बात नहीं है जवाब देना हमारे लिए, दिल्ली भी जाएंगे। अफसोस इस बात का है कि जो प्रधानमंत्री मुंबई में बाबा साहब के अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट का भूमि पूजन करने के लिए मुंबई में आए थे और सभा में कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के वजह से मेरे जैसे चाय बेचने वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री बन सका, ये चमत्कार अगर किसी ने किया है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने किया, ऐसा कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके मंत्रिपरिषद में का एक अनंत कुमार हेगड़े जैसा एक बेवकूफ़ आदमी मंत्री संविधान हटाने की बात करता है। हम ये चाह रहे थे कि संविधान के चमत्कार को मानने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कुछ नहीं तो कम से कम उसका कान तो पकड़ते थे। ये क्या गलत बात कह रहे हैं भाई, अच्छा नहीं ये बात हा? अपने ही माँ की गाली देने वाला हमारे भाषा में उसको मादर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपने ही माँ का गला घुटने का काम, जिस माँ ने आपको जन्म दिया, संविधान ने आपके प्रजातंत्र को जन्म दिया, प्रजातंत्र ने आपको संसद बनाया, सांसद बनाया, आपको मंत्री बनाया, जिसकी शपथ लेकर आप मंत्री कुर्सी पर बैठे हो, उसी संविधान रूपी माँ का गला घुटने का काम अगर कोई करता है ये देश की जनता की बर्दाश्त, कौन विरोध करता है? इस देश का हमारा मुस्लिम भाई विरोध नहीं करता, इस देश का हमारा सिख भाई विरोध नहीं करता, इस देश का जैन समाज विरोध नहीं करता, इस देश का ईसाई समाज विरोध नहीं करता, इस देश का कोई भी हमारा OBC बहुजन समाज मराठा समाज विरोध नहीं करता। विरोध कौन करता है? 3% जो ब्राह्मणवादी मनुवादी प्रवृत्ति है, RSS-वादी प्रवृत्ति, वही लोग विरोध करते हैं। मराठा आरक्षण आज पास किया गया सर, उसके बारे में आप क्या? कोई बहुत जद्दोजहद के बाद मराठा समाज ने आंदोलन किया, हम सभी लोग साथ में थे और महाराष्ट्र की सरकार ने हमारी बात को मानी, मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए नौकरियों में और शिक्षा में, आरक्षण मिलना चाहिए शिक्षण संस्थाओं में। करीबन 41 हमारे मराठा समाज के लोगों ने कुर्बानियाँ दी। आज जब हाउस में ये विधेयक आया और कानून बना, 16% मराठों को आरक्षण का कानून बना आज, तो मैंने अपने सभा भाषण में कहा हाउस के अंदर में कि जो 41 हमारे मराठा समाज के नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी, उनके कुर्बानियों को आज सही मायने में सलाम किया, हमारे महाराष्ट्र के सरकार ने सलाम किया, हमने सलाम किया, ऐसा होता और ये आसानी से नहीं मिला। सर इसको BJP श्रेय लेना चाहती है कि देखिए श्रेय कौन लेता है? सरकार ने दिया तो इसके बारे में आप क्या? देखिए इसके पहले आरक्षण आघाड़ी की सरकार थी, हमारी आघाड़ी सरकार थी, तभी आधे श्रेय लेना चाहते हैं कि किसी ने नहीं दिया लेकिन BJP सरकार ने आरक्षण दिया। अरे भैया इसके पहले आघाड़ी की सरकार थी, कांग्रेस राष्ट्रवादी और हमारी सरकार थी, आघाड़ी की सरकार थी, तब मराठों को 16% और मुसलमानों को 5% आरक्षण की घोषणा की, उसका अध्यादेश निकला, ऑर्डिनेंस निकाल कर ये घोषणा। लेकिन इन्हीं के लोगों ने कोर्ट में जाकर उस पर स्टे ले लिया, यही लोग हमारे मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये दिया तो संवैधानिक है, कानून के इसमें बैठता नहीं है, ऐसा विरोध करके हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने हमारे आघाड़ी के सरकार ने दिए हुए आरक्षण को स्थगित कर दिया, कैंसिल करवा दिया, मुसलमानों के आरक्षण कैंसिल करवा दिया। वही बात तब से हम कर रहे हैं कि हमने हमारी आघाड़ी के सरकार ने मराठों को 16% आरक्षण दिया था, मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया था, वही सरकार इसको लागू करे, कानून बनाए, ये बार 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 बार, और मराठा समाज भी महाराष्ट्र के हर ज़िले में मराठा क्रांति मोर्चे निकले, मुंबई में आखिरी मोर्चा उन्हें बहुत ऐतिहासिक अभूतपूर्व मोर्चा निकला, कई कुर्बानी हमारे मराठा समाज के नौजवानों ने दी तब जाकर। ये तो कैसा है भाई, एक बात ध्यान में रखिए, किसी पत्थर को तोड़ना है तो 100 बार चोट मारो तो नहीं टूटता, 101 वे जो हथौड़ा पड़ता है तब टूट जाता है, लेकिन 101वां हथौड़ा जब पड़ता है उसके पहले जो 100 हथौड़े पड़े हैं उसके कारण ही 101वें हथौड़े के लिए वह पत्थर टूटता है। कि ये सरकार ने BJP का मतलब ही नहीं आता, BJP तो आरक्षण विरोधी है, RSS आरक्षण विरोधी है, हमारा बहुत पहले से है, बहुत ही पहले से है, लड़ाई लड़ी है। जी हाँ जी हाँ। तो क्या लगता है कि सरकार ने अपना काम करना चाहिए ना कि BJP अपना श्रेय लेना चाहिए? देखिए सरकार ने अपना काम करना चाहिए, जो काम सरकार ने पहले ही करना चाहिए था वो सत्ता में आने के 4.5 वर्षों के बाद किया,
कि हमारी आघाड़ी की सरकार ने तभी कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई हाईकोर्ट में गया और उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी, मराठा आरक्षण पर, मुस्लिम आरक्षण पर पाबंदी लगा दी। अब श्रेय कौन लेता है इससे ज़्यादा भैया, आम खाने से मतलब गुठलियाँ क्या गिनने का है क्या है? हमारा मराठा समाज को आरक्षण मिला, इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे दूसरे को हो नहीं सकती। और इसीलिए समाज भी समझता है, आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए लोग समझते हैं क्या नहीं है, लोग इतने कोई ये नहीं रहे बेवकूफ नहीं। चुनावी फंडा माना जा रहा है? नहीं नहीं, चुनावी फंडा नहीं है, हमारे मराठा समाज ने जो चेतावनी सरकार को दी, आघाड़ी की सरकार थी तब कोई आंदोलन है, क्योंकि हमने 16% आरक्षण मराठों को दिया था, हमारे आघाड़ी की सरकार ने 5% मुसलमानों को आरक्षण दिया था, लेकिन इन्हीं के लोग कुछ वहाँ पर गए, आरक्षण विरोधी लोग लोकसभा हाईकोर्ट में गए। सर अभी चुनाव को कुछ ही दिन बाकी है, अभी आरक्षण दिया जा रहा है मराठा समाज को, तो क्या नहीं लगता है कि ये चुनावी फंडा या एक विशेष वर्ग को लुभाने के लिए ये? नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखिए कई प्रकार के प्रलोभन चुनाव के वक्त दिए जाते हैं, चुनाव के पहले, उसमें से एक ये मराठा। सर हमारा मराठा समाज इतना भोला नहीं है, आए क्या ख्याल में, प्रदेश की राजनीति में बहुत अग्रेसर रहा है हमारा मराठा समाज, सोशल स्टेटस भी हमारा मराठा समाज का काफ़ी बड़ा है, और इसीलिए किसी भी प्रलोभन में जाते हुए। सर आप इसको किस ढंग से देख रहे हैं? देखिए हम सबसे इस ढंग से देख रहे हैं कि कई वर्षों की जो तपस्या हमारे मराठा समाज ने की उनको आज सफलता मिली, हम मराठा समाज को का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हम सबके एकत्रित प्रयास से हमारे मराठा समाज को आरक्षण मिला, इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे दूसरे को हो नहीं सकती। हमारी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी, अंबेडकरवादी जनता भी मराठा आरक्षण के आंदोलन में शामिल हुई है, हम भूल नहीं सकते। सर हेगड़े हेगड़े आनंद हेगड़े साहब के लिए आप इस्तीफे का मांग करेंगे मोदी सरकार? वो तभी मांग किए थे हमने, हमको तो ये लगा था हम मांग करने के बजाय जो बाबा साहब के संविधान के चमत्कार के वजह से मैं प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठने का अधिकार मुझे प्राप्त हुआ, ऐसा कहने वाले जब उनके मंत्रिपरिषद का एक मंत्री कहता है कि संविधान को हम हटा देंगे, हमको लगता था कि कमर पे लात मार के हकल लिया होता उसको अगर सही मायने में। हाँ जी हम तभी भी मांग किए थे, ये हिंदू मिलके भूमि पूजन के बाद में, उसके बाद में 4-6 महीने के बाद में इस प्रकार की बात उन्होंने की, हमने तो मांग की थी, कई मंत्रियों से मांग की थी कि जो संविधान को हटाने की बात करता हो मंत्रिपरिषद रह कैसा सकता है, जिन्होंने संविधान द्रोह किया है, संविधान के साथ गद्दारी की है, वो देश के मंत्रिपरिषद का मंत्री बन कैसे सकता है। ये बात हमने मोदी साहब से भी कही थी, उनके मंत्रिपरिषद के कई मंत्रियों से कही थी कि आप मोदी साहब को बताइए कि इस प्रकार की गंदी बात करने वाला आदमी आपके मंत्रिपरिषद रह कैसे सकता है, इसको हटा दिया जाए। देखिए आने वाले चुनाव में अगर नहीं हटाते हैं तो आने वाला चुनाव इसका जवाब देगा, इसकी जवाब देगी निश्चित रूप से। मैं केवल दलितों की बात नहीं करता, संविधान के दायरे में जो भी लोग आते हैं, संविधान ने जिन जिन लोगों को जिसके तमाम समाजों को जो अधिकार प्रदान किए हैं, वो अधिकारों की रक्षा करने के लिए तमाम लोग देश के, अभी बहुत सारे वादे पिछले चुनाव में किए गए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। 2 करोड़ बेरोजगारों को काम देने की बात की थी, 15-15 लाख रुपए देश के लोगों के खाते में जमा करने की बात की, नोटबंदी करवा दिया, क्या क्या नहीं किया, सारे वादों के बाद भी आज तक 4-4.5 साल का समय बीत चुका है, फिर भी कोई भी वादा वो पूरा नहीं कर सके। ये भी मराठा आरक्षण की बात भी हमारे लगातार मराठा समाज और तमाम महाराष्ट्र की जनता ने सरकार को खींच के रखा, पकड़ के रखा, सरकार को चेतावनी दी कि होना ही चाहिए, तब कहीं जाकर संविधान के दायरे में बिठाकर मराठों को 16% आरक्षण दिया गया। तो देश की जनता आने वाले दिनों में इसका जवाब तो पूछेगी, हम भी पूछेंगे, देश की जनता भी पूछेगी। सर एक रैली निकाला और पटाखे भी फूटे, जी हाँ, तो ये पूरा पूरा लग रहा था कि वो बीजेपी इसकी श्रेय लेंगे। देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि 1 तारीख को मराठा समाज आंदोलन करने में जल्लोश करे, इस प्रकार की सूचना प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दी थी। अब श्रेय लेने की बात है, हमने भी फटाके फोड़े, आए क्या ख्याल में, हमने भी खुशियां बनाई, हमने भी घोषणाएं दी, मुंबई में दी, नागपुर में दी, विधानसभा के सामने दी, सभी पार्टियों ने दी, तो
उन्होंने सोची समझी, जैसे आपने कहा कि श्रेय लेने के लिए अगर ये बात करते, ठीक है, खुशियाँ मना रहे, वो खुशियाँ मना दो, हम भी खुशियाँ मना रहे हैं, हमारा तमाम मराठा समाज खुशियाँ मना रहे हैं, महाराष्ट्र का सभी बहुजन समाज खुशियाँ मना रहा है, वो अलग तरीके से मना रहे हैं, हम अलग तरीके से मना रहे हैं, मनाने दो, अच्छी बात है, इस खुशी के सब भागीदार होने चाहिए, केवल उनकी खुशी नहीं है, सभी समाज की खुशी है, पूरे महाराष्ट्र की खुशी है, सभी शामिल होना चाहिए, हम भी इस खुशी में शामिल हुए, और आज इसीलिए मैंने ये संविधान सम्मान लॉन्ग मार्च जो यहाँ पर पहुँचा, मैं आज जानबूझ कर, हमारा काम चल रहा है, अभी 11-12 बजे तक हमारा हाउस चलेगा, परिषद चलेगी, अंतिम सप्ताह प्रस्ताव भी हमारे इसमें है, इसके बावजूद मैं यहाँ पर आया, ये संविधान सम्मान लॉन्ग मार्च पहुँचेगा, और यहाँ पर ये घोषणा करने के लिए कि सरकार ने कई दिनों के बाद, जद्दोजहद के बाद, हमारे मराठा समाज को 16% आरक्षण देने की कानून पास किया है, ये जानकारी देने के लिए और लोगों में खुशियाँ बांटने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। धन्यवाद। जय भीम। देखिए, हम इतने खुश हैं, मैंने यही कहा हाउस में भी यही कहा, इतने आसानी से आरक्षण नहीं मिला हमारे मराठा समाज को, 41-45 लोगों को कुर्बानियाँ देनी पड़ी, बलिदान देना पड़ा, तब कहीं जाकर आरक्षण का, हमारे मराठा समाज का सपना साकार हुआ। मैं आरक्षण के दायरे में आने वाले जितने भी समाज समूह हैं, इस देश के जो आरक्षण विरोधी है, वो आरएसएस वाले हैं, वो मनुवादी लोग हैं, और इसीलिए आरक्षण के दायरे में आने वाले, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मराठा हो, चाहे धनगर समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, जो भी आरक्षण के दायरे में आते हैं, उन्होंने अभी एक बात बता देना चाहिए, आरक्षण विरोधियों को ऐलान कर देना चाहिए कि खबरदार, आज तक हमने आरक्षण का विरोध बर्दाश्त किया, इसके बाद अगर आरक्षण का विरोध करने की कोशिश करेगा, हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये चेतावनी आरक्षित वर्गों के तमाम लोगों ने आरक्षण विरोधियों को देनी चाहिए। धन्यवाद। चाहे दलित को मारे या और किसी को मारे, लेकिन सत्ता की मस्ती जो इन दिमाग में चढ़ी हुई है, ये सत्ता की चढ़ी हुई मस्ती का ये नज़ारा है, तो मीरा भाईंदर की जनता ने इसका जवाब देना चाहिए उसको, जिसने मारा है, ये केवल दलित को मारा ऐसी बात नहीं है, एक नागरिक को, मीरा भाईंदर के एक नागरिक को इस प्रकार से थप्पड़ मार के अपमानित किया गया, ये समान नागरिकों का अपमान है, ये कोई दलितों का अपमान नहीं है, और सिर्फ मीरा भाईंदर के लोगों ने इसका मुँह तोड़ जवाब उसको देना चाहिए, ऐसी मेरी कहानी।